Notification on new videos uploaded, press the bell button. Adda 247, government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded, press the bell button. Adda 247, government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded. Press the bell button. Adda 247, government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded. Press the bell button. Adda 247, government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Hello and welcome to the Current Affairs Show based on the Hindu newspaper and the Hindu quiz. आपका सबका स्वागत है फिर से इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर to all the people across the country who wake up as early as 8 to visit to have a viewing of this particular show. We promise that by having this particular show, all the possibility of what would come in the current affairs would be solved. That is what is our intention. And what better than to discuss the morning Hindu newspaper every day from Monday to Friday at 8:15 a.m. So thank you so much for all the love, all the support. And without further ado, let's start with this particular paper, that is the Hindu. तो आपके सामने स्क्रीन पर फिर से आएगा आज का पेपर, that is the Hindu. And यहाँ पर आज खबर जो है मेन पेज पे वो थोड़ी डिफरेंट है. And this particular news, this particular headline is a measure of fear, is a measure of what is in store in Jammu and Kashmir, because due to the Hizbul Mujahideen ambush in Jammu and Kashmir, 3 of our honorable soldiers were martyred and 1 civilian was dead. So we all know that India, हम सबको पता भी है कि इंडिया इज अगेंस्ट एनी सच एक्टिविटीज एंड इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट ऑन डूइंग सम कंक्रीट मेजर्स ऑन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज एज मच एज अ स्टेट एज इज उत्तर प्रदेश. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स सी द डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर पेज. और इसको आगे से बढ़ने से पहले एक बार आप देख लीजिए कि वो कौन कौन से पेज नंबर्स हैं जिनको आपको यहाँ पर याद करना है. आकाश श्रीवास्तव, अगर 2 मिनट का डिले होता है उसका इतना तो आप हमें अलाउ कर सकते हैं. चलिए, तो यहाँ पर आपके जो पेज नंबर्स हैं दैट आर पेज नंबर 1 पे एक हेडलाइन, पेज नंबर 3 अगेन अ सिंगल हेडलाइन, देन वी हैव ऑन पेज नंबर 7 1, ऑन पेज नंबर 10 1, ऑन 13 वी हैव 2 हेडलाइंस एंड ऑन 14 वी हैव अगेन 2 हेडलाइंस. सो आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें. तो पेज नंबर्स हैं आपके 1, 3, 7, 10, 13 एंड 14. और फर्स्ट पे फर्स्ट हेडलाइन, थर्ड पे एक हेडलाइन, सेवन पे भी एक हेडलाइन, टेंथ पे 1 हेडलाइंस, 13 पे 2 हेडलाइंस एंड देन वी हैव 14 पे 2 हेडलाइंस अगेन. सो दीज आर द पेज नंबर्स 1, 3, 7, 10, 13 एंड 14. तो चलिए पहले बात करते हैं हम पेज नंबर 1 पर. नाउ फॉर अ चेंज ऑन पेज नंबर 1 वी ओनली हैव अ सिंगल हेडलाइन एंड दैट इज कवर्ड ऑन पेज नंबर 2 एज वेल, एंड दैट हेडलाइन इज अभय चौटाला अरेस्टेड फॉर वायोलेटिंग ऑर्डर्स. नाउ दैट हेडलाइन इज अभय चौटाला अरेस्टेड फॉर वायोलेटिंग ऑर्डर्स. नाउ द क्वेश्चन, हम चाहेंगे वापस स्क्रीन पे आ जाएं, आपने एक देख लिया होगा इमेज यहाँ पर. हम चाहेंगे द क्वेश्चन वुड नॉट कम दैट हु इज अभय चौटाला, वाई वॉज ही अरेस्टेड. द क्वेश्चन वॉज कम बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, किस इशू पर उन्हें अरेस्ट किया गया है, वो कौन सा एक ऐसा इशू है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा दैट इज़ लीडिंग टू अ पॉलिटिकल टर्मोइल नॉट ओनली इन हरियाणा बट ऑल्सो इन चंडीगढ़. उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको पेज नंबर 1 पे ना मिलकर दैट यू वुड सी ऑन पेज नंबर 2. सो लेट्स प्रोसीड टू पेज नंबर 2, क्योंकि वहाँ पर हमें जो फर्स्ट हेडलाइन है उसका आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स प्रोसीड टू द पेज नंबर 2, वन सेकेंड. So Abhay Chautala, who is one of the main leaders of the INLD,
दैट इज द इंडियन नेशनल लोकदल, ही वॉज अरेस्टेड. सो इस पर जो जानकारी है कि बेसिकली ये मुद्दा क्या है वो एग्जामिनेशन में आएगा. सो एक बार आप पढ़ लीजिए हेडलाइन को, आपके सामने स्क्रीन पर आएगा कि INLD लीडर्स कोर्ट अरेस्ट ओवर SYL. यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो है आपका दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओनली दिस वुड कम इन द एग्जामिनेशन. वहां पर आपका INLD लीडर्स कोर्ट अरेस्ट ये सब आपका नहीं आएगा. द ओनली थिंग दैट वुड कम वुड बी द SYL. सो व्हाट इज द SYL? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ SYL ये आपके यहां दिखा होगा आपको, दैट इज द सतलज यमुना लिंक कनाल दैट इज ऑन द शंभूर बैरियर ऑन NH1 एट द पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर. This is leading to a political crisis in Punjab. तो ये चीज़ आपको एक बार याद करनी पड़ेगी या एक बार आप समझनी पड़ेगी कि there is a crisis in terms of the building of a canal. That canal's name is the Satluj Yamuna Link Canal that is on the Shambhu Barrier on the NH1, that is the National Highway 1 at the Punjab and Haryana border. यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि this particular canal is in the process of building from the past 20-25 years. पिछले करीब 10-20 सालों में ये कनाल बन रहा है. एंड अगर हम वापस स्क्रीन पे आ जाएं, अराउंड 92 किलोमीटर्स ऑफ दिस कनाल हैज़ बीन ऑलरेडी बिल्ड इन हरियाणा. द ओनली कंसर्न इज इट्स बिल्डिंग अप इन पंजाब. पंजाब में ये नहीं बन पाया है पर हरियाणा में ये काम पूरा हो चुका है. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल लोकदल लीडर्स स्पेशली अभय चौटाला, द कनाल शुड बी बिल्ड इन पंजाब सो दैट द वाटर बेनिफिट कुड बी गिवन अगेन टू हरियाणा इट्सेल्फ. तो यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, नंबर वन दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म. द फुल फॉर्म ऑफ SYL इज द सतलज यमुना लिंक कनाल, नंबर वन. नंबर टू, दिस कनाल इज इन बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, दैट इज द इशू. एंड विच पोलिटिकल पार्टी इज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज INLD विच हैज स्टेटेड दैट वी बिल्ड द कनाल वेन वी वर इन पावर, वी बिल्ड द कनाल इन हरियाणा. पर ये जो कनाल है ये आपका पंजाब में नहीं बन पा रहा है, ये उनका एक मेन कंसर्न है जो कि आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. तो ये था हमारा फर्स्ट हेडलाइन जो कि आपका पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 पे कवर था. अब चलिए चलते हैं आगे एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू पेज नंबर 3. यस, सो वी आर ऑन पेज नंबर 3 एंड ऑन पेज नंबर 3 वी हैव रिकॉर्ड ऑलिव रिडली नेस्टिंग बैफल्स वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स. We have the headline, Record Olive Ridley, Nesting Baffles Wildlife Experts. That is what is the headline. Now, यहाँ पर जो important आपको चीज़ याद रखनी है, that is this particular part. That is the Olive Ridley. Now, Olive Ridley basically are sea turtles. I'll again repeat, sir. Olive Ridley basically are sea turtles. And अगर हम यहाँ बात करें, they are generally found in the Rushikulya Rukri Coast in the Ganjam district. मैं फिर से repeat करूँगा sir कि we have the headline is on page number 3. The headline states, record Olive Ridley nesting baffles wildlife experts. That is what is the headline. यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये रखनी पड़ेगी कि the Olive Ridley basically is a species of sea turtles and they in India they are found in the Rushikulya Rukri Coast in the Ganjam district of Odisha. यहाँ पर दूसरी बार आपका नाम आया है गंजम का पिछले 4 दिनों में. इसको इसलिए याद करना है क्योंकि INSV तारिणी, द इंडियन नेवल सेलिंग बोट व्हीकल तारिणी, दैट वाज नेम्ड आफ्टर द तारिणी प्लेस इन गंजम डिस्ट्रिक्ट. तो उस हिसाब से भी आपको याद करना पड़ेगा कि दैट इज ऑल्सो अगैन वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं, कि एक बार फिर से दिखाते हैं आपको. रिकॉर्ड ऑलिव रिडली नेस्टिंग बैफल्स वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द पीपल कंसर्निंग दिस पर्टिकुलर स्टडी. In the year 2016, the Olive Ridley turtles did not nest in Ganjam district, but this very year they have nested in this particular part. अगर यहाँ हम देख पाएँ तो देखिए लिखा भी हुआ है कि the marine reptiles give the coast a miss in 2016, but now they are much more prevalent and around 3.8 lakh endangered Olive Ridley turtles are prevalent in this particular area. So यही दो चीज़ें important हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा.
जैसे कि पहला जो है लिखा हुआ है कि अराउंड 3.8 लाख इंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स, जो कि लिपो शिडली, ये आएगा नहीं वैसे, फिर भी ऑलिव रिडली टर्टल्स यहाँ पर हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप कि 2016 में ये नहीं आ पाए थे, बट नाउ दे हैव कम अगेन, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वी हैव कवर्ड टू हेडलाइंस, फर्स्ट फ्रॉम पेज नंबर 1 एंड सेकेंड वी हैव कवर्ड फ्रॉम पेज नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड। ओके, वन सेकेंड, यस, आफ्टर पेज नंबर 1, आफ्टर पेज नंबर 3, नाउ लेट्स प्रोसीड टू पेज नंबर 7। नाउ वील प्रोसीड टू पेज नंबर 7, वन सेकेंड। ओके, सो वी आर ऑन नाउ पेज नंबर 7 एंड ऑन पेज 7 वी हैव एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर एवरीबडी एंड दैट इज अबाउट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अपडेट टू किल स्नैपचैट। नाउ व्हाट हैज व्हाट्सएप डन, एक बार आपको दिखा पाएं स्क्रीन पे। व्हाट्सएप्स अपडेट कुड किल स्नैपचैट, दैट इज व्हाट इज द हेडलाइन। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि व्हाट्सएप नाउ हैज़ अ न्यू फीचर कॉल्ड स्टेटस, विच वॉज लॉन्च्ड ऑन फेब्रुअरी 20, विच विल अलाउ यूजर्स टू अपडेट देयर स्टेटस विद टाइम लिमिटेड फोटोज, वीडियोज, स्क्रिबल्स, GIFs, एंड दिस साउंड्स फेमिलियर टू व्हाट इज द स्नैपचैट। एक बार आप यहाँ देख पाएं कि हमने जो आपको अभी डिस्कस किया है कि व्हाट्सएप नाउ हैज़ अ न्यू फीचर दैट इज कॉल्ड एज स्टेटस, दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन फेब्रुअरी 20, विच विल अलाउ यूजर्स टू अपडेट देयर स्टेटसेस विद टाइम लिमिटेड फोटोज, वीडियोज, स्क्रिबल्स, GIFs, विच साउंड्स फेमिलियर टू द स्नैपचैट। वी ऑल नो दैट 2 years ago फेसबुक अक्वायर्ड, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, वी ऑल नो दैट 2 years ago Facebook acquired WhatsApp for $19 billion, and after that WhatsApp is undergoing several changes in terms of its features. Initially, agar hum wapas screen pe aa jaye, initially it had a service fee of $1 per year for renewal, but that service fee has been rejected, number one. Number two, aap face screen pe aa jaye, paper pe aa jaye, ki now they have a new feature. Initially they had the end-to-end encryption, and now they have a new feature that basically focuses on the temporary usage of status, the temporary usage of photos, videos and scribbles and GIFs, jo ki yahan par ek important update hai for each and every person. यहाँ पर अगर हम आगे बात करें और यहाँ की बेसिकली बात करें, स्टेटस बेसिकली है क्या, तो वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा कि स्टेटस अलाउज व्हाट्सएप यूजर्स टू शेयर फोटोज, वीडियोस, इमोजीज, स्केचेस एंड इवन GIFs एज स्टेटस अपडेट्स। दीज अपडेट विल डिसअपियर आफ्टर 24 आवर्स। सो जो लोग थोड़े बहुत जानकार हैं स्नैपचैट के, जो लोग जानते हैं कि बेसिकली स्नैपचैट क्या है, स्नैपचैट के अंदर आप फोटोज के माध्यम से, बाय द हेल्प ऑफ फोटोज, यू टेल अबाउट योर एवरी डे, दोज फोटोज गेट दोज वैनिश आफ्टर सिंगल डे। सो उसको काफी हद तक इंस्पायर किया है विद दिस पर्टिकुलर फीचर, दैट इज व्हाट इज स्टेटस, इन विच द स्टेटस वुड अलाउ व्हाट्सएप यूजर्स टू शेयर फोटोज, वीडियोज, इमोजीज, स्केचेस एंड इवन GIFs एज स्टेटस अपडेट्स। द अपडेट्स विल डिसअपियर आफ्टर 24 आवर्स, जो कि यहां पर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां अगर हम बात करें कि यहाँ अगर बात करें कि फीचर है कहाँ पर, ये कि देखिए कई लोग इंटरेस्टेड हैं कि फीचर बेसिकली है कहाँ पर, तो जिनका मोबाइल नंबर्स अपडेट हो जाएंगे, जिनको ये सर्विसेज दी जाएंगी, वंस द फीचर बिकम्स अवेलेबल इट विल ऑटोमेटिकली शो अप ऑन योर ऐप। यू विल सी एन आइकन बिटवीन कॉल्स एंड चैट्स बिटवीन द नेविगेशन बार ऑफ योर व्हाट्सएप होम स्क्रीन। तो जहाँ पर आपको कॉल और चैट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जहाँ से आप इसे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अर्पिता ने लिखा भी है कि व्हाट्सएप अलाउज यूजर्स टू शेयर फोटोज टेम्पररीली, तो यहाँ पर एक ग्रेट फीचर है फॉर एवरीबडी एंड इट हैज़ द फीचर्स ऑफ स्नैपचैट एनेबल्ड एज वेल, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। ओके, इसमें व्हाट्सएप का क्या फ़ायदा है, एक बार इसको देख लेते हैं, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे फिर कि व्हाट्स इन इट फॉर व्हाट्सएप। नाउ व्हाट्सएप करेंटली हैज़ 1 billion, ओवर 1 billion मंथली यूजर्स एंड होस्ट अ डेली थ्रू फेयर ऑफ अराउंड 60 billion मैसेजेस। दिस इंक्लूड्स 3 billion फोटोज, 70 million वीडियोज एंड 80 million GIFs अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। नाउ बाय दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कैन ऑगमेंट इटसेल्फ फ्रॉम अ फंक्शनल मैसेजिंग टूल टू अ प्लेटफॉर्म यूजर्स गो फॉर एंटरटेनमेंट। तो जो एक मकसद है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे इस पर्टिकुलर पार्ट्स में, कि इनिशियली जो अभी उसका एक बेस है, दैट बेस कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 1 billion यूजर्स, 1 billion मंथली यूजर्स, आउट ऑफ विच अराउंड 60 billion मैसेजेस आर देयर। पर अब जो इसका मकसद, जो कि यहाँ पर हम आप चाहेंगे इसको दिखा पाएं,
कि जो अब इसका बेसिकली फीचर है, इट वुड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पास. That is, WhatsApp can augment itself from a functional messaging tool to a platform that users go for entertainment. मतलब समय समय पर वो entertainment का भी यहाँ पर हाल कर सकते हैं. Okay, एक यहाँ पर और सवाल आया कि तरन्नुम आफरीन का कि मेरा आज से WhatsApp अपडेट हो गया. चलिए अच्छी बात है. So let's see कि आपके पास ये फीचर आएगा कि नहीं आएगा. That is again very important part. चलिए बढ़ते हैं आगे. After this, after page number 7, let's proceed to page number 10. Let's proceed to page number 10. Okay. And this is important update for the examination. And this particular part is, India, Israel to develop missile for army. This is very important for the examination. India, Israel to develop missile for the Indian army. Now, for this particular regard, अगर हम इसको दिखा पाएं, 17,000 crore deal has been approved by the cabinet panel ahead of Modi's first visit to Tel Aviv, likely in June. तो यहाँ पर ये एक important part है. तो इसको अगर हम इस particular section को zoom कर पाएं, कि India and Israel, Israel has been a good ally of India in terms of providing the long range missiles that are called as the LRSAMs. So, in terms of that regard, India, Israel would give India medium range missiles that are called as the MRSAM, that is medium range surface to air missile, and this particular deal is of 17,000 crores. So, jo deal hai, that is of 17,000 crores, and that deal has been approved by the cabinet ahead of India, ahead of Indian Prime Minister's visit to, ahead of Indian Prime Minister's visit to the country that is Israel. यहाँ पर हम आगे अगर बात करें और आपको एक चीज़ दिखाएं कि यहाँ जो डील हुई है, that would be to develop a medium range surface to air missile costing around 17,000 crore, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखेगा कि this particular deal is focusing on a medium range surface to air missile, that is MRSAM, and this deal का जो total एक corpus है, that is 17,000 crore, जो कि यहाँ पर again very important. Number one. Number two, अगर हम यहाँ बात करें, this particular has been executed by two organizations, one from India and one from the Israel country. Number one, we have that this deal has been done by the DRDO, that is a Defense Research and Development Organization, number one. And number two, it has been done with the IAI, that is the Israel Aircraft Industries, that is again very important for this particular regard. So, yahan par ye do cheezein ek bar aap dekh lijiye. Pehla, ki it is between the DRDO, that is a Defense Research Development Organization, and it is between Israel's Aircraft Industries or IAI. That is again very important in this particular regard. यहाँ पर तीन चीज़ें और भी important हैं, जैसे कि जो range रहेगा इस MRSAM का, मैं लिख दूँ यहाँ पर, this is the range of the MRSAM. तो जो range रहेगा of the MRSAM, that range would be around 50 to 70 kilometers. That would be the range of this particular missile, that is the medium range surface to air missile, जो कि आपको यहाँ पर एक बार याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा basically missile है कौन सी. Similarly, अगर हम यहाँ आगे बात करें, तो इसका जो manufacturing है, 80% would be Indian and the rest would be done in Israel itself. So, 80% would be manufactured in India and the others would be manufactured after 20% would be manufactured in Israel. Similarly, the delivery hai is particular missile ki, that is the MRSAM missile. This missile delivery is at 2023 mein iski delivery ki gayi hai. Similarly, agar hum yahan baat karein, to इन दो कंट्रीज़ के बीच एक और बात चल रही है फॉर परचेज ऑफ AWACS, दैट इज़ द एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. सो नॉट ओनली दे आर फोकसिंग, अगर इसको हम इसको और जूम कर पाएँ, नॉट ओनली वी आर फोकसिंग ऑन द मिसाइल्स ऑफ मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज, बट वी आर फोकसिंग ऑन द मिसाइल, वी आर फोकसिंग ऑन रडार फ्लाइट्स, वी आर फोकसिंग ऑन ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि सर्विलेंस का काम करें, ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि चेक करें इन द आउटर एयर स्पेस कि बेसिकली कोई खतरा तो नहीं है, और दे कुड चेक फॉर द पॉसिबल एनिमी टारगेट्स थ्रू द एयर. Those aircrafts which they have a system, and that system is called as the AWACS, that means Airborne Warning and Control System, or AWACS, that is what is the name, Airborne Warning and Control System, or
AWACS. तो इसको एक बार याद रख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हम सबके लिए कि AWACS stands for the Airborne Warning and Control System और AWACS. सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें रशिया के साथ पार्टनरशिप हुई है पर वो इतना अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके याद रखने के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है. दैट इज द रशियन पार्टनरशिप. सो एक बार हम फिर से पूरे स्क्रीन को दिखा पाएं, पहले दिखाएं इनको फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट द मिसाइल दैट वुड बी यूज इज द MRSAM, दैट इज द मीडियम रेंज सर्फिस टू एयर मिसाइल. दैट इज नंबर वन. दिस पर्टिकुलर डील इज फॉर 17,000 crores. This deal is for 17,000 crores. Then we have the second point. This particular deal has been executed between two organizations. Number one, we have the IAI, that is the Israel Aircraft Industries, and we also have this with the DRDO, that is the Defense Research, that is the Defense Research and Development Organization, which again very important hai in this particular regard. Similarly, jo misal ki range hogi, that would be between 50 to 70 kilometers. एंड जो इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा 80% वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड द रेस्ट अदर्स 20% वुड मैन्युफैक्चर्ड इन इजराइल. सिमिलरली जो इसका एक डिलीवरी टाइम है दैट इज 2023 नंबर फोर. एंड इन और साथ में दे आर ऑल्सो नेगोशिएटिंग फॉर AWACS, दैट इज द एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. PM इजराइल पूछ रहे हैं अनमोल मगोत्रा, वेल अकॉर्डिंग टू मी ही इज बेंजामिन नेतान्याहू. आप भी एक बार यहाँ पर लिख पाएं तो अच्छा रहेगा. पेज नंबर जो फोकस कर रहे हैं दैट इज ऑन पेज नंबर वन, दैट वी आर फोकसिंग. चलिए तो बढ़ते हैं आगे. आफ्टर पेज नंबर 10 now let's focus to page number 13. On 13 we have two headlines. Now let's focus on page number 13 and here we have two important headlines. Number one, we have Bharati joins battle with Telenor buy. We have the headline that is Bharti joins battle with Telenor buy. We all know that Vodafone and Idea Cellular are merging in this year, and in that regard this acquisition in the coming days is more it is relevant in that particular regard. That is Bharti Airtel, that is the firm holding the Airtel company shares. So Bharti Airtel joins battle with Telenor buy. So they are trying to buy Telenor. Now something about Telenor basically is a Norwegian company. It is basically based in Norway and its Indian arm would be acquired by Bharti Airtel Mittal. Now in this particular regard अभी आपने देखा कि जो Reliance Jio का शेयर है that is 100 million. The share of Reliance Jio is 100 million and according to the stats, Jio is trying to move ahead and become the number one provider of mobile networks in India. पर Bharti Airtel is keep on ensuring कि वहाँ पर वो और आगे कर पाएँ. तो basically ये एक अहम मुद्दा है जो कि आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा. अच्छा अगर हम इस पर्टिकुलर एक्विजिशन को छोड़ भी दें तो दिस बेसिकली इज द सिक्स्थ डोमेस्टिक एक्विजिशन बाय भारती इन द लास्ट 5 years. इससे पहले उन्होंने क्वालकॉम APs का इंडिया बिजनेस खरीदा था. दे ऑल्सो परचेज द लूप मोबाइल देन ओगेर वायरलेस ब्रॉडबैंड. ये चीज़ें भी ऑलरेडी वो अक्वायर कर चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर इट्सेल्फ. तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये हैं कि दिस इज द सिक्स्थ डोमेस्टिक एक्विजिशन एन इंपॉर्टेंट वन. अपार्ट फ्रॉम दिस देव ऑल्सो परचेज क्वालकॉम्स AP. They've also purchased Loop Mobile and also purchased Ogre Wireless as well. So, ये चीज़ें important. Similarly, उन्होंने Videocon Telecommunications को भी purchase किया था and Aircel की Dishnet Wireless को भी उन्होंने यहाँ पर purchase किया था. That is again very important part in this particular regard, जो कि आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि this is again very important. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. Let's proceed now. Then we come to the next headline. And the next headline is legally vetted pact on services tabled at WTO. Legally vetted pact on services tabled at WTO. That is what is the headline. यहाँ पर जो important part वो ये है कि what does this particular thing mean? First of all, legally vetted. What does this particular part mean? Now vetted means check before implementation. Simple.
पहले चेक कर लो कि जो आपका प्रपोजल है वो सही तो नहीं है. अगर वो सही है देन इंप्लीमेंट. सो इफ आई से आई हैव, अगर हम चाहें वापस स्क्रीन पे आ जाएं, इफ आई से आई हैव अ वेटेड डॉक्यूमेंट, दैट मींस दैट दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन चेक्ड बाय मी एंड नाउ इट कुड बी अप्लाइड. सो यहाँ जो वर्ड लिखा है, हम चाहेंगे स्क्रीन वापस आ जाएं, दैट वर्ड इज लीगली वेटेड. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग मींस दैट दिस डॉक्यूमेंट, दिस पैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू promote in WTO, that particular pact is legally vetted, matlab that has been legally checked by, that has been legally checked by the government and it is going to be implemented, jo ki yahan important cheez hai. Yahan agar hum baat kare to us pact ka naam jo hai, that pact name is this particular part, uska naam hai TFS, that is the trade facilitation in services or TFS. now this is a pact by India that they want to have equal service package, equal salary or a good salary for all the people who go from India to different countries for working. And those particular people who are working in different areas, they are basically in the service sector. So they want an agreement that demands for equitable or equal pay for people who are going from their country to different countries as well. Jo ki yahan par important hai. So TFS ko yaad kariyega, that is the Trade Facilitation Services Agreement, that is TFS. Similarly, agar yahan par aur hum baat karein, अगर हम यहां और बात करें, वन सेकेंड, यस, इसके अलावा जो एक और अग्रीमेंट है जो कि WTO करना चाह रहा है, दैट इज TFA, दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट इन गुड्स, दैट इज व्हाट इज इट्स इंटेंशन. कि उनका भी एक मानना है कि वो भी करना चाहते हैं अबाउट TFA, दैट इज द ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट. तो सरकार कहना है, एंड आप देख सकते हैं कि द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निर्मला सीतारमन, अकॉर्डिंग टू हर, that is pretty okay, but what we want is that we want to have the implementation of the TFS as well. Now TFS focuses on services and TFA, that is the trade facilitation agreement in goods, focuses on goods. So they also want this agreement for the goods, for the services as well. Number one. Number two, jo yahan par important baat kar rahe hain wo ye ki jo WTO hai, its head office is in Geneva, Switzerland, and yahan par jo ye resolution hai about the TFA, ye kiya ja raha hai by the Director General of WTO, जिनका नाम है Robert Azevedo, who is the Director General, उनके ही सानिध्य में ये आपका यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि important part है. तो यहाँ पर हम आपसे बात करें और एक बार आपको दिखाएं कि basically यहाँ पर फंडा क्या है. तो सबसे पहले आपने यहाँ देखा कि TFA, now TFA is the TFS basically is the Indian proposal, जो कि focus करता है कि India focus करता है कि सर्विसेज की भी बात यहाँ पर की जाए, दैट इज नंबर वन. एंड नंबर टू, जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर वो ये है कि इंडिया इज ऑल्सो अग्रीइंग टू इंप्लीमेंट द TFS एज वेल, दैट इज द ट्रेड फैसिलिटेशन सर्विसेज और द TFS. जो दो चीज़ें यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हैं. सिमिलरली जो डायरेक्टर जनरल हैं WTO के, हिज नेम इज मिस्टर रॉबर्ट Azevedo, एंड द TFA इन गुड्स बेसिकली वो फोकस करता है. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर हो गया लिख सकते हैं क्लियर हो गया है, ताकि हम यहाँ पर आगे बढ़ पाएं. Okay, let's proceed. After this, we come to page number 14. Vivek Joshi, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे वो न्यूज़ पर, अब आप बढ़ते हैं आगे. Now we come to page number 14. And here we have the important headline. That's this particular part. CBEC unveils mobile app on GST. CBEC unveils mobile app on GST. That is what is the headline. आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आएगा. ओके, कई लोगों को क्लियर हो गया, अच्छी बात है. ओके, सो हेडलाइन जो इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट. CBEC unveils mobile app on GST. Now CBEC is the Central Board on Excise and Customs. That is what is the full form of CBEC. Number one. Number two, it has unveiled a mobile app. That is the GST. That is the Goods and Services Tax. यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि दिस पर्टिकुलर बोर्ड, दिस पर्टिकुलर एजेंसी हैज एप्लीकेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इट विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटरस्टेट GST एंड GST कंपनसेशन लॉज. तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये सारी चीज़ें हैं. जैसे कि जो CBEC है, दैट इज फोकसिंग ऑन द लॉन्चिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप, जिसका नाम है GST ऐप, दैट फोकसेज ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल GST, अबाउट द स्टेट GST,
about the interstate GST and also about the GST compensation as well. जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है, समझना है कि ये जो आपकी ये जो आपके यहाँ पर basically ये जो आपके यहाँ पर आपकी different factors हैं GST के, उनको यहाँ पर किया गया है. So इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर वन किसने अनवेल किया है, दैट इज CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. नंबर टू कि जो मोबाइल ऐप है वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ फोकसिंग ऑन द GST ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल, द स्टेट, द कंपनसेशन, इन सब पे फोकस कर रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. दैट इज वॉट इज द फर्स्ट पार्ट. एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ GST. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मिस्टर कौशल श्रीवास्तव. इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि बेसिकली हो सकता है ये हो या कोई और हो. अकॉर्डिंग टू मी येस ये सही है कि कौशल श्रीवास्तव इज द चेयरमैन, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ऐप लॉन्च किया है बाय CBEC जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रिगार्ड में. चलिए बढ़ते हैं आगे. देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज गोल्ड स्कीम्स फोर्थ ट्रांच स्टार्ट्स ऑन February 27. गोल्ड स्कीम्स फोर्थ ट्रांच स्टार्ट्स ऑन February 27. ये हेडलाइन आपके सामने भी स्क्रीन पे आएगी. जो नेम ऑफ द ऐप है, द ऐप्स नेम इज द GST ऐप. उसका कोई और पर्टिकुलर अश्विनी सिंह नेम नहीं है. अभी जो नया नेम है दैट इज द नेम जो कि है GST ऐप पर. अब आते हैं अगले हेडलाइन पे एंड दैट हेडलाइन इज गोल्ड स्कीम्स फोर्थ ट्रांच. गोल्ड स्कीम्स फोर्थ ट्रांच स्टार्ट्स ऑन February 27. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो ये है अबाउट वॉट इज दिस पर्टिकुलर गोल्ड स्कीम जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है. एंड वो नाम यहाँ पर है, वन सेकेंड, द नेम इज सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. दैट इज वॉट इज द नेम. तो आपको याद रखना है कि वो जो पर्टिकुलर आपका एक ऐप है, वो जो पर्टिकुलर आपका एक स्कीम है उसका नाम क्या है. दैट इज द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. बेसिकली इसका जो फोर्थ एक ऑक्शन है वो होने वाला है ऑन February 27. तो सवाल आप सुनिएगा ध्यान से, वापस आएंगे स्क्रीन पर हम ताकि हमारे स्पैन सुन पाएं. सो नाउ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय दिस हेडलाइन इज, जो कि एक बार दिखाएंगे फिर से आपको यहाँ पर स्क्रीन पे, दैट इज द गोल्ड स्कीम्स फोर्थ ट्रांच स्टार्ट्स ऑन February 27. ये है कि वॉट इज दिस गोल्ड स्कीम. तो आएंगे वापस स्क्रीन पर. ट्रांच मीन्स नेक्स्ट लॉट. ट्रांच मतलब नेक्स्ट लॉट, द लॉट दैट इज गोइंग टू बी ऑक्शन. ओके, सो वॉट इज दिस गोल्ड स्कीम. उस गोल्ड स्कीम का नाम है द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. It was launched, I guess, in 2015. It focuses on providing you gold bonds. Bonds which would be denominated in gold. मतलब आपको यहाँ पर पैसे के हिसाब से बॉन्ड नहीं मिलेगा. द बॉन्ड वुड बी अलाइंड विद द गोल्ड. कि फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम का एक बॉन्ड हो गया, 100 ग्राम का एक बॉन्ड हो गया. सो बेसिकली दीज बॉन्ड्स विच आर अंडर द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग यू गोल्ड बॉन्ड्स इन विच द डिनोमिनेशन, जो गुणांक होगा बॉन्ड्स का वो आपका गोल्ड में होगा. नंबर वन. नंबर टू, एक मिनिमम जो इसमें एक अलॉटमेंट होगा वो होगा 1 ग्राम का, और जो मैक्सिमम होगा दैट वुड बी 500 ग्राम पर पर्सन. फिर से रिपीट करूंगा सर, एक सिंगल बॉन्ड अगर होगा मिनिमम जो होगा दैट वुड बी 1 ग्राम, एंड जो मैक्सिमम होगा दैट वुड बी 500 ग्राम पर पर्सन. तो उसका जो एक नेक्स्ट लॉट है, उसका जो एक नेक्स्ट आपका एक अलॉटमेंट है वो सर हो रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि बेसिकली ये क्या होगा, इशू किया जाएगा मार्च 17 को, पर ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम February 27, जो कि इंपॉर्टेंट है. तो संजीव की तरह आप सबको क्लियर हो गया होगा बेसिकली कि जो अहम पहलू कौन कौन से हैं अबाउट दी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स. बहुत सही प्रतिभा, आपने लिखा भी है कि बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड बाय गोल्ड इन गोल्ड, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है, मिनिमम 1 ग्राम एंड मैक्सिमम 500 ग्राम. इससे अधिक इस पर्टिकुलर हेडलाइन में आपको यहाँ पर नहीं आएगा, जो कि मेरा यहाँ पर मानना है. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. Okay, so we've covered the page number 14 as well, and these are all the headlines that we had today. इनमें से अगर एक बार फिर से आपको दिखा दूँ मैं कि वो कौन कौन से पेज नंबर्स हैं, तो ये हैं आपके पेज नंबर जिनको आपको देखना पड़ेगा एक बार. तो एक बार सर दिखा दें कि पेज कौन कौन से हैं. I'll again repeat sir, these are the page number that are very important for the paper, जो कि आपको देखना पड़ेगा. 1, 3, 1, 3, 1, 7, 1, 3, 7, 10, 13 and 14. These are the page number जो कि यहाँ पर again very important है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा. I hope everybody is clear with those headlines. And now it is issued by the government of India through the RBI. Shanti Devi, बिल्कुल it's better for the market, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. And the bond will be sold by banks, बिल्कुल it would be sold by banks, stockholding corporation, BSC, NSC, ये सब इसे solve करेंगे. Issue होगा आपका March 2017.
इट इज रिलेटेड टू इंडिया सर दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके सो आज की न्यूज यहां पर खत्म होती है. अब बारी हमारे क्विज की. सो आई होप लेट्स स्टार्ट विद द क्विज. बट उससे पहले एक बार आप जो हेडलाइंस हैं उन्हें एक बार देख लें. लेट्स सी द हेडलाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड द हेडलाइंस ओके वी वुड टेक द हेडलाइंस. बट बिफोर दैट यहाँ पर लिख भी रहे हैं प्रतीक जी की 1, 3, 7, 10, 13, 14 जो हैं आपकी वो हेडलाइंस हैं. क्राइटेरिया क्या है गोल्ड बॉन्ड का? इट हैज़ टू बी इशूड बाय एनीबडी दैट इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर है. WTO वाली जो न्यूज़ है दैट इज ऑन पेज नंबर 13 विवेक जोशी. चलिए तो वी आर रेडी विद द हेडलाइंस. सो लेट्स सी द हेडलाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड दीज आर द हेडलाइंस. सतलज यमुना लिंक नाल और SYL दिस हैज बीन मैंशनड ऑन पेज नंबर 1 and 2. इसको एक बार देख लीजिएगा. सेकेंड हेडलाइन रिकॉर्ड ऑलिव रिडली नेस्टिंग बैफल्स वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स. दिस इज ऑन पेज नंबर 3. व्हाट्सएप्स अपडेट कुड किल स्नैपचैट. 7 इंडिया इज़राइल टू डेवलप मिसाइल फॉर आर्मी. 17,000 crore की डील हुई है. सिमिलरली भारती जॉइंट्स बैटल विथ टेलेनॉर बाय उन्होंने खरीदा है टेलेनॉर को. एंड लीगली वेटेड पैक्ट ऑन सर्विस टेबल्ड एट WTO जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. सो नंबर 1 सतलज यमुना लिंक नाल दैट इज इंपॉर्टेंट. देन रिकॉर्ड ऑलिव रिडली नेस्टिंग बैफल्स वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स. देन वी हैव व्हाट्सएप्स अपडेट कुड किल स्नैपचैट. इंडिया इज़राइल टू डेवलप मिसाइल्स फॉर आर्मी. Then we have Bharti joins battle with Telenor by and then we have legally vetted pact on services tabled at WTO. इसको एक बार आप देख लीजिए. एक सवाल यहाँ है प्रशांत जी का. Who issues the gold bonds? It are issued by the government of India through RBI and through different bodies as well. Okay, I'll give you 5 seconds. जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Let's see the next headlines. CBEC unveils mobile app on GST and gold scheme's fourth tranche starts on Feb 27. ये दो चीज़ें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हैं. CBEC stands for Central Board of Excise and Customs and then we have gold scheme fourth tranche starts on February 27. I'll give you again 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. ईशान चौहान TFS डिस्कस कर लेंगे हम BBM शो में. बिल्कुल परेशान ना रहें. चलिए अब बर्बारी हमारे क्विज की. आज BBM क्लास होगी एट 3:15. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्विज एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. विद रिगार्ड टू वाटर शेयरिंग व्हाट डज SYL स्टैंड फॉर? अगेन रिपीट सर. वाटर शेयरिंग के संदर्भ में व्हाट डज SYL स्टैंड फॉर? आई गिव यू 5 seconds अगेन. 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड द आंसर इज इट इज द सतलज यमुना लिंक नाल सरयू और SYL. आई अगेन ask you the next question. What is the proposed length of the SYL? SYL की पूरी proper length क्या है? कितनी होगी? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and the answer is it is 214 kilometers. कई लोग को इसका idea नहीं होगा. The answer here is 214 kilometers. चलिए बढ़ते हैं आगे next question पर. The Arakan National Party is related to which country? जानबूझ कर हमने इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि पेज नंबर 3 पर the Arakan National Party members came to India to visit Mizoram, I guess. So सवाल यहाँ पर है कि the Arakan Party is related to which country? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and the answer is it is Myanmar. Next question. Olive Ridleys are a species or a type of what? Easy question. Olive Ridleys are a species or types of what? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and the answer is it is turtles. Yes, they are a special type of turtles. That is what is the correct answer. Next question. Record breaking mass nesting by 3.8 lakh endangered olive ridley turtles has taken place in which state? सवाल यहाँ पर है कि किस particular state में इनका nesting हुआ है. I'll give you again 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and the answer is it is in the Rushikulya Rukri coast in Ganjam district of Odisha. That is what is the correct answer. Next question. Which social networking app has launched a feature which will allow users to update their statuses with time-limited photos, videos, scribbles and GIFs? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and the answer is it is WhatsApp. Yes, the correct answer is it is WhatsApp. Next question.
What is the name of the feature launched by WhatsApp? I'll give you again 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is status. Yes, the correct answer is, it is status. S-T-A-T-U-S. Next question. India and Israel to develop missile army in how many crore deal? India or Israel, kitne crore mein deal sign kiya hai for the MRSAM, that is the medium range surface to air missile? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is 17,000 crores. That is what is the correct answer. Next question. To be executed, this particular deal, baar baar hum ek word kha ja rahe hain, this deal to be executed by the Defense Research and Development Organization and which organization of Israel? Sawal yahan par aasan sa hai ki kin do deshon ki, kin do organization, ek to hai DRDO and which other organization is has made a deal for this particular missile? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and the answer. The answer is, it is Israel Aircraft Industries, that is IAI. Next question. The medium range surface to air missile system shall have a range of how many kilometers? The medium range surface to air missile shall have a range of how many kilometers? That is what is our question. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is 50 to 70 kilometers. 50 to 70 kilometers. Next question. Deliveries of the MRSAM shall be given, shall begin by kis saal se jo deliveries have MRSAM that would begin? That is what is our question. I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is 2023. That is what is the correct answer. Next question. In relation to air surveillance, what does AWAC stand for? In relation to air surveillance, what does AWAC stands for? That is what is our question. I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is the Airborne Warning and Control System. That is AWACS. Next question. Airtel shall acquire which telecommunication company? A very easy question. Kis company ko Airtel acquire karega aane wale samay mein? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is Telenor. Next question. Telenor belongs to which particular country? Telenor belongs to which particular country? That is what is a question. Kuch country ka naam kya hai? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is Norway. Next question. TFS focuses on which while TFA focuses on which service? I'll again repeat, sir. TFS focuses on which particular thing and TFA focuses on which particular thing? Ye hamara sawal hai. I'll give you 10 seconds for this. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is services and goods. TFS focuses on services and the TFA focuses on the goods. Ye asaan sawal hai. TFS is being proposed by India and TFA has been accepted and adopted by WTO worldwide. Next question. The headquarters of WTO are in which city? The headquarters of WTO are in which city? That is what is our question. I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is Geneva, Switzerland. That is the correct answer. Next question. Who is the director of WTO? Ye sawal asaan sa hai. Who is the director of WTO? That is what is our question. I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is Robert Azevedo. He is the director of WTO. Next question. Which central agency has launched an app on information on GST? Kaun si particular country ne ek app ko launch kiya hai that focuses on the GST? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer. The answer is, it is CBEC. That is the Central Board of Excise and Customs. Next question. What is the minimum weightage for which gold bond shall be issued?
What is the minimum weightage for which the gold bond shall be issued? ये हमारा यहाँ पर सवाल है. I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and the answer is, it is 1 gram. Next question. What is the maximum weightage for which gold bond shall be issued? वो maximum weightage कितना होता है for the gold bonds? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and the answer is, it is 500 grams. That is what is the correct answer. Next question. Now the rapid fire. I have 3 questions for all of you that focuses on sports, books and appointments. Sports, books and appointments. Now the first question, that is on a book. The book is a rather simple one. My Experiments with Truth is written by which legendary Indian? The question is, My Experiments with Truth is written by which legendary Indian? I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer is, it is Mahatma Gandhi. The answer is, it is Mahatma Gandhi. Next question. Super legs is related to which particular sport? The question is, super legs is related to which particular sport? That is what is the question. I'll give you 5 seconds again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the answer is, it is wrestling. And now the last question. Who is the Secretary General of UN? Who is the Secretary General of UN? That is what is our question. कि सेक्रेटरी जनरल कौन है ऑफ यूएन की, इसका आपको आंसर देना है. आई गिव यू 5 सेकेंड्स अगेन. 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड इट इज एंटोनियो ड्यूटरेस. ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन. सो दी आर द 3 क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर. विद दिस लेट्स कम टू द लास्ट स्लाइड एंड लेट्स सी. द रेस इज नॉट ओवर बिकॉज आई हैवंट वन येट. यस. सो नो मैटर हाउ मेनी time you've lost, no matter how many times you failed including examination, clearing anything in life, the race is not over because I haven't won yet. So it would be over when I have finally won. With this intention, we'll just end this particular show and I hope you enjoyed the entire session. We would come again on a Monday. This show runs live between Monday to Friday at 8:15 a.m. in the morning, and we would be back again on Monday again at the 8:15 timing as well. With this, we end this particular show. This is Kush Pandey signing out from the Hindu Quiz and the Newspaper Show. Thank you so much and peace out. The 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded. Press the bell button. At the 247, government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded. Press the bell button. Adda 247, government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded. Press the bell button. Adda 247. Government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded. Press the bell button. Adda 247. Government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded. Press the bell button. Adda 247. Government job in your pocket. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded.